आप लोग के अथक प्रयास से कम दिनों में, जैसा कि आप लोगों ने सुना है, दो महीने के अंतराल में इसका बहाली किया गया और हम समझते हैं कि ये बहुत बड़ा विषय है। मैं अपनी तरफ से बधाई और उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए हम उम्मीद करते हैं कि आज पूरे बिहार जो ये माहौल बना है, दिवाली तो इस तरह 12 तारीख को लेता है लेकिन आज ही दिवाली है, ऐसा खुशी और माहौल दिख रहा है। नमस्कार, आप देख रहे हैं फर्स्ट लुक बिहार, मैं आपके साथ विवेक मंडी। नवनिर्मित शिक्षकों को नियुक्ति पत्र बांटा जा रहा। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पटना के गांधी मैदान में हजारों की संख्या में नियुक्ति पत्र बांटे हैं। वहीं बिहार के कई जिले में प्रभारी मंत्री और मंत्री के द्वारा नियुक्ति पत्र बांटा जा रहा। इसी कड़ी में मुजफ्फरपुर पहुंचे बिहार के बिहार सरकार के मंत्री जितेंद्र राय और उन्होंने भी हजारों की संख्या में मुजफ्फरपुर के एलएस कॉलेज के मैदान में नियुक्ति पत्र बांटी है और उन्होंने कई सारी बातों को भी कहा है। और जिले के पताई हवाई अड्डा में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के कार्यक्रम होने को है, बड़ा जनसभा होने को है, उसको लेकर भी बड़ी बात कही है। और जिस तरीके से लगातार विपक्ष और अन्य पार्टी बीपीएससी शिक्षक भर्ती को लेकर आरोप लगा रहे हैं, उन पर भी बड़ी कटाक्ष की है। क्या कुछ कह रहे हैं पहले वो सुनिए। सभी लोगों को मैं अपनी तरफ से धन्यवाद देता हूँ कि आप लोग के अथक प्रयास से कम दिनों में, जैसा कि आप लोगों ने सुना है, दो महीने के अंतराल में इसका बहाली किया गया और हम समझते हैं कि ये बहुत बड़ा विषय है और तमाम शिक्षकों को आज नियुक्ति पत्र बांटा जा रहा है, यह हम समझते हैं कि बहुत बड़ी बात है। और बहुत ना कहते हुए, चूंकि सारी बात आप लोग लगातार वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सुन रहे थे, इसलिए आप तमाम शिक्षकों को पुनः एक बार मैं अपनी तरफ से बधाई और उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए हम उम्मीद करते हैं कि आज पूरे बिहार जो ये माहौल बना है, दिवाली तो इस तरह 12 तारीख को लेता है लेकिन आज ही दिवाली है, ऐसा खुशी और माहौल दिख रहा है, इसलिए तमाम लोगों को पुनः शुभकामना देते हुए हम लोग अपनी वाणी को विराम देते हैं। जय हिंद, जय बिहार। पहुँचाई जाएगी, आपको दी जाएगी, इसलिए आप आराम से रुके। हमारे अतिथिगण अपना बहुमूल्य समय दिए, अब वो जा रहे हैं। बाकी नियुक्ति पत्र आपको पदाधिकारियों के माध्यम से मिलने वाली है, इसलिए आप सभी शांति व्यवस्था बनाए, स्थान लें, रुक जाए। बस कुछ ही क्षणों के बाद जैसा दिशा निर्देश मिलता है उनके नाम की घोषणा की जाएगी। धन्यवाद। और गौरव जोशी के साथ यहाँ जितेंद्र मांझी बोले हैं, सिर्फ इवेंट किया जा रहा है, आरोप लगाया जा रहा है टीआरपी के लिए, जो है आंकड़ों का। भैया देखिए, अब सवाल है कि उन्होंने तो कहा था कि 2 करोड़ नौकरी देंगे, अब तो दिए नहीं किसी को। अब ये हो रहा है इतना बड़ा आयोजन जिसमें सभी सफल शिक्षक गण को नियुक्ति पत्र बांटा जा रहा है, तो निश्चित है कि कुछ तो पीड़ा होगा ही ना। भाजपा द्वारा कहा जा रहा है। तो आपने सुना कि बिहार सरकार के मंत्री जितेंद्र राय ने क्या कुछ कहा, उन्होंने कहा कि बिहार के हजारों की संख्या में, लाखों की संख्या में शिक्षकों को नियुक्ति पत्र बांटी गई है, यह काफी खुशी की बात है। बिहार सरकार को भी उन्होंने धन्यवाद दिया और उन्होंने कहा कि जो लोग आरोप लगा रहे हैं कि आंकड़ा दिखाया जा रहा है, पहले वो अपना किया हुआ तो वादा पूरा करे, वो लोग अपना वादा पूरा नहीं करता है, इसलिए बिहार सरकार पर इस तरीके का टिप्पणी कर रहे हैं। और वही बिहार के मुजफ्फरपुर जिले में पताई हवाई अड्डा पर भी मंत्री का जनसभा होना है, उसको लेकर भी उन्होंने कहा कि वो आए जाए, उनसे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। तो इसी तरीके की खबर के साथ बने रहना, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें।